Hey guys, welcome back to my channel and today's video is about how to color grade your GoPro footage. मैं काफ़ी दिनों से GoPro Hero 5 यूज़ कर रही हूँ ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसको थोड़ा बहुत वीडियोग्राफी का शौक था और फिर मैंने GoPro के एडवर्टीजमेंट्स देखी उनके ऑसम वीडियोज़ देखे और मैंने फिर GoPro खरीद लिया और मुझे लगा कि बस अब तो GoPro हाथ में है और उससे कुछ भी वीडियो लेंगे तो बिल्कुल वैसा ही ऑसम आएगा. But I was mistaken and I'm guessing आपके साथ भी same experience हुआ होगा तभी आपने इस video पे click किया है. तो if you want to know how to make your GoPro footage look awesome and professional and more cinematic, please keep on watching. And I'm sure आपने काफ़ी सारे LUTs apply करके भी देखे होंगे but उससे footage काफ़ी बिगड़ सी जाती है. That is because those LUTs are designed for specifically DSLR footage. तो मैंने इसीलिए एक कस्टम लट डिज़ाइन किया है स्पेसिफिकली फॉर GoPro फुटेज एंड आई एम गिविंग अवे दैट लट फ्री टू ऑल ऑफ यू गाइस. और मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि उस लट को प्रीमियर प्रो में कैसे अप्लाई करना है और अगर थोड़े बहुत कलर करेक्शन की ज़रूरत है तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आई विल गिव यू द सेटिंग्स दैट आई यूज टू शूट ऑन माई GoPro. आई विल पुट इट ऑन द स्क्रीन एंड आप उसका एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं. So the settings are right here. Before we get started, please give this video a thumbs up and please subscribe to my channel because I put out such cool videos every week. And now, without wasting any more time, let's dive into my system and show you how it's done. सबसे पहले तो description में दिए मेरे link से मेरा free custom LUT download कर लीजिए. उसके बाद अपने सारे videos को timeline पे ऐसे arrange कर लीजिए. So as you can see, this is standard. रोड का फुटेज जो हम सभी लेते हैं GoPro से एंड दिस इज़ फ्रॉम माई टाइम इन बाली एंड दिस इज़ सम फुटेज फ्रॉम कसौल. जस्ट गो टू प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन न्यू आइटम एंड एडजस्टमेंट लेयर एंड देन ड्रैग द एडजस्टमेंट लेयर ऑन टू योर टाइमलाइन. उसके बाद गो टू इफेक्ट्स and search for lumetri color and then drag the lumetri color on top of the adjustment layer. तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपके effect control panel में यहाँ पे lumetri color का option आएगा जिसके अंदर basic correction है और फिर basic correction में जाके आपको input LUT का option मिलेगा. तो यहाँ पे input LUT के drop down से browse करके you can select the LUT that I have given you. Just open it and it will apply to your footage. So as you can see ki it will apply to your footage and so and same cheez baki video pe dalne ke liye you just have to drag this adjustment layer on top of them. So as you can see this video looks kind of okay but this video is way more saturated than it should be. It depends on the scene and the lighting and everything. जिस दिन वो वीडियो लिया गया था तो ज़रूरी नहीं है कि लट अप्लाई करते ही आप बिल्कुल परफेक्ट लगेगा. यू माइट नीड टू एडजस्ट. एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पे ओपेसिटी पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड ट्राई एंड सी वॉट लेवल ऑफ ओपेसिटी वर्क्स ऑन द वीडियो. So let's put 70 and see how it looks. So अब देख रहे हैं कि 70 पे ये काफ़ी ठीक लग रहा है. So अगर आप स्पेसिफिकली एक ही वीडियो पे अपना चेंजेस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये रेज़र टूल से एडजस्टमेंट लेयर को कट कर सकते हैं ताकि दूसरे वीडियोज़ अफेक्ट ना हो. एंड ऑल्सो यू कैन मेक सर्टेन अदर चेंजेस टू योर वीडियो एज वेल. सम बेसिक कलर करेक्शन जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि द शेडोज़ आर बिट टू डार्क, ये ट्रीज यहाँ पे दिख ही नहीं रही. सो वी कैन गो टू द लुमेट्री पैनल एंड इंक्रीज द शेडोज टू से 76. सो वी कैन सी द डिटेल्स हियर. ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा सा वॉश्ड आउट लग रहा है तो उसके लिए आप वाइट्स को डिक्रीज कर सकते हैं to bring the highlights back and also just decrease the blacks a little bit to make it a little more contrasty. contrast hota hai aapke videos mein to acha lagta hai.
तो इस तरह से जस्ट प्ले अराउंड विद द सेटिंग्स टू सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. एंड मैं आपको एश्योर करती हूँ कि लट अप्लाई करने के बाद आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, जस्ट लिटिल बिट चेंजेस एंड विल बी गुड टू गो. So that was it for today's video, and if you like this video, give this video a thumbs up, share, comment, and also I'll be coming up with more custom LUTs and free stuff on this channel. So if you don't want to miss them, please subscribe to my channel, and I'll see you in the next video.